नमस्कार प्यारी भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू हेल्प में। प्यारी जवानों के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। जैसा कि आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर काफ़ी दिनों से, लगभग एक माह से कोई भी वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी, क्योंकि दोस्तों हम किसी और काम में बिजी थे, इस वजह से हम चैनल पर एक्टिव नहीं हो पाए थे दोस्तों। लेकिन हम अब फिर से चैनल पर एक्टिव हो गए हैं। अब आपको आपके मनपसंद की जो वीडियो हैं, ज़रूरी अपडेट हैं, आपको मिलती रहेंगी। आज के इस वीडियो में पीआरडी जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर आए, बहुत ही ज़रूरी खबर लेकर आए हैं। इसके लिए जो आदेश जारी किया गया है, पीआरडी जवानों को दोस्तों अब दुर्घटना बीमा सुविधा का लाभ जल्द ही मिलने वाला है, और इसके लिए यहां पर सूचना चाही गई है। आदेश जारी किए गए हैं कि आदेश जारी किए गए आगे वीडियो में अभी सारी जानकारी डिटेल के साथ जानेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उस आदेश की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उत्तर प्रदेश सेवा में इन्होंने लिखा है कि समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी उत्तर प्रदेश, दिनांक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 9 अप्रैल 2024 का है पत्र है। और यहाँ पर विषय में आप देख सकते हैं, पीआरडी स्वयंसेवकों को बैंक खाते के माध्यम से दुर्घटना बीमा सुविधा एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर दोस्तों विषय में साफ स्पष्ट किया गया है कि दुर्घटना बीमा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के विषय के संबंध में है। महोदय, उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 13 जुलाई 2023 का संदर्भ ग्रहण करें। यानी महानिदेशालय द्वारा 13 जुलाई 2023 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसके द्वारा समस्त जनपदों के पीआरडी स्वयंसेवकों का खाता केनरा बैंक में खुलवाकर पीआरडी स्वयंसेवकों को दुर्घटना बीमा एवं अन्य सुविधाएं दिलाए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके संबंध में निम्न प्रारूप पर सूचना अपेक्षित है। यानी दोस्तों, यहाँ पर सूचना मांगी गई है। क्या सूचना मांगी गई, आप यहाँ पर प्रारूप देख सकते हैं। लाखों जवानों की संख्या, कैनरा बैंक में खोले गए खातों की संख्या, खोले गए खातों के सापेक्ष कितने पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते का भुगतान उक्त खाते में किया जा रहा है। यानी दोस्तों, कितने लाख पीआरडी जवान हैं पोर्टल पर, कितने लाख पीआरडी जवान हैं, और कैनरा बैंक में कितने खाते खोले गए हैं, और जो खाते खोले गए हैं उनके सापेक्ष कितने पीआरडी जवानों को जो ड्यूटी भत्ता भुगतान है वो उसी खाते से होता है। और नीचे आप देख सकते हैं, अतः उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद में दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में पीआरडी स्वयंसेवकों को बैंक के माध्यम से बीमा राशि का भुगतान कराए जाने के संबंध में आप द्वारा क्या कार्रवाई की गई। दोस्तों, अगर यहां पर और कहा गया है कि यदि आपके जनपद में कोई दुर्घटना मृत्यु हुई है तो आपके स्तर से पीआरडी स्वयंसेवक को बैंक के माध्यम से बीमा राशि का भुगतान कराए जाने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई, यह भी मांगा गया है। और आगे देख सकते हैं, जनपद में दुर्घटना से मृत कितने पीआरडी स्वयंसेवकों के आश्रितों को बीमा का लाभ उपलब्ध कराया गया। दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी खबर है। देख सकते हैं, जनपद में यदि दुर्घटना से किसी जवान की मृत्यु हुई है तो उसके आश्रित को कितना आश्रित को बीमा लाभ उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं। अतः उपरोक्त अनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त चाही गई सूचना दिनांक 12 अप्रैल तक प्रत्येक दशा में महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी दोस्तों, जो भी सूचना मांगी गई है कि आपके जनपद में कितने पीआरडी जवान की संख्या, कितने लॉक्ड पीआरडी जवान हैं, और कैनरा बैंक में कितने पीआरडी जवानों के खाते खोले गए हैं, उन खातों जो खाते खोले गए उनके सापेक्ष कितने पीआरडी जवानों का जो ड्यूटी भत्ता भुगतान है उसी खाते में जा रहा है, और यदि किसी पीआरडी जवान की दुर्घटना मृत्यु हुई है तो उसको बीमा, उसके परिवार को बीमा राशि उपलब्ध कराई गई है बैंक द्वारा, नहीं कराई गई है, या मृत के आश्रित को उपलब्ध कराई गई है, नहीं कराई गई है, या उसके राशि भुगतान के लिए आप द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, ये सारी जानकारी दोस्तों 12 अप्रैल तक महानिदेशालय द्वारा मांगी गई हैं। नीचे आप देख सकते हैं, भवदीय अशोक कुमार कनौजिया संयुक्त निदेशक के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में पीआरडी न्यूज़ टुडे ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।